ठीक है बेटा। तो सर्कल के कौन से हमने तरीके सीख लिए, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर। सेंटर रेडियस में क्या बेटा, सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस बताना होता है हमें। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे सेंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ठीक है स्पेसिफाई करेंगे, ये स्पेसिफाई कर दिया। फिर रेडियस, रेडियस मतलब 500 mm का है, 500, ये बन गया हमारा सर्कल 500 mm रेडियस का बन गया। उसके बाद सेंटर डायमीटर, बेटा अगर रेडियस 500 mm है तो डायमीटर कितना होगा, 1000 थोड़ी ना होगा बेटा, 500 होगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई सेंटर, फिर डायमीटर, डायमीटर कितना 500 हो गया, सॉरी सॉरी 500 रेडियस था ना हमारा, ठीक है तो डायमीटर 1000 हो गया, बन गया सर्कल हमारा। ये हमारा किससे बना है, सेंटर और रेडियस से, ये किससे बना है बेटा, सेंटर और डायमीटर से, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, टैन टैन रेडियस, हमें दो लाइन के बीच में अगर हमको सर्कल बनाना है तो ये हमारा, ये हमारे दो लाइंस हैं, इन ये और इस लाइन के बीच में हम बनाते हैं सर्कल। कैसे बनाएंगे बेटा, टैन टैन रेडियस से, दो टेंजेंट ये हो गए और एक उसका रेडियस, सेलेक्ट किया टैन टैन रेडियस। पहला क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट टू वर्क एज टेंजेंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, और रेडियस बोल रहा है, देखो बेटा खुद ही बोलते बोल दिया 500, उनके बीच में 500 का डिस्टेंस है, ये हमारा बन गया सर्कल। अगर हम इससे, देखो बेटा रेडियस क्या होता है, रेडियस बेसिकली उस सर्कल का सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का लेंथ है ना। तो बेटा अगर हम रेडियस और छोटा बताते तो सर्कल कहाँ बनाता, नीचे नहीं और ऊपर बनाता है ना। तो क्या देखो, देखते हैं, देखो फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, अगर रेडियस में बताया 250, तो ऊपर बना दिया बेटा, छोटा सर्कल बना दिया उसने, ठीक है ऐसे बेटा। उसके बाद कौन सा है, टैन 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 और टैन, तीन टेंजेंट के थ्रू, तो फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, बन गया सर्कल बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, ठीक है। तो ये था सर्कल कमांड का हमारा। उसके बाद क्या है बेटा, टू पॉइंट और थ्री पॉइंट है ना। टू पॉइंट में क्या है बेटा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स अगर हमने बता दिए तो वो उस दो पॉइंट से गुजरता हुआ सर्कल बना देगा जो उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता हो। तो टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा टू पॉइंट से, ठीक है। थ्री पॉइंट से कैसे करेंगे बेटा, थ्री पॉइंट से उसके सर्कमफेरेंस के तीन पॉइंट हमें बताने हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट एंड स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका सर्कल बन गया तीन पॉइंट का, ठीक है। तो बेटा सर्कल में आपके टोटल छह मेथड थे, इन छह में से किसी मेथड में डाउट है आप लोगों को, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, टैन टैन रेडियस एंड टैन टैन टैन, ठीक है। तो पिछले क्लास में बेटा हमने और क्या पढ़ा था देख लेते हैं, ठीक है बेटा। ड्राइंग को सेव करना, ड्राइंग में टेम्पलेट यूज करना आप लोग को आ गया है, ठीक है बेटा। अब इरेज करना, और इरेज कैसे करते थे, इरेज करने के दो तरीके है बेटा, एक सेलेक्ट करो और फिर सिर्फ माउस को घुमाओ तो एक स्क्वायर एरिया सेलेक्ट होगा बेटा, उसको हम कर सकते हैं इरेज, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर हमको किसी इररेगुलर शेप सेलेक्ट करना है तो हमको पॉइंट सेलेक्ट करना है और फिर उसको आगे यूज करना है ताकि हमारा इररेगुलर शेप सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर डिलीट, डिलीट हो जाएगा बेटा, और अगर गलती से हुआ है तो कंट्रोल जेड वापस आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा, बेटा टेम्पलेट यूज करना आपको पिछले से बताया था मैंने, ठीक है। टेम्पलेट में क्या किया था बेटा हमने, बेसिकली हमने उस ड्राइंग में एक रेक्टेंगल बना दिया था जिसका विड्थ क्या था, 210 mm,
और लेंथ क्या थी 297 mm, और ये किसकी साइज होती है बेटा ए फोर शीट की, ठीक है। तो अभी हम न्यू जाएंगे, न्यू में ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें हमारा जो टेम्पलेट था उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ये टेम्पलेट था हमारा मेट्रिक टेम्पलेट बेटा, ये हमने बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट है बेटा, बेटा अपना वो बंद कर देता, ठीक है। तो बेटा आपका इस टेम्पलेट में क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसका लेंथ क्या है 210 mm, ठीक है, और सॉरी लेंथ नहीं वेट, और लेंथ क्या है इसकी 297 mm, दिख रही है आपको बेटा 297 mm और 210 mm, ठीक है। तो मैं उसको मिटा देता हूं बेटा, ये बस दिखाने के लिए था, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, बताए तो आप लोगों क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो बेटा लेसन थ्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्रिएट अ सर्कल यूजिंग सिक्स डिफरेंट मेथड्स। तो बेटा सिक्स डिफरेंट मेथड्स जो सर्कल के हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाने के मेथड्स हमें देखने हैं, और रेक्टेंगल में कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग उसका कॉर्नर मतलब रेक्टेंगल के कॉर्नर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है बेटा शैम्फर, फिलेट, विड्थ एंड रोटेशन, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे सर्कल, हमें रिपीट करना है सर्कल, क्या सर्कल पर लग गया आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। टेम्पलेट के साइज में क्या है, टेम्पलेट तो बेसिकली रेक्टेंगल बना दिया है ना, इसमें रेक्टेंगल कितने साइज का बना लो आप, A3 का जो साइज है उसका रेक्टेंगल बना लो आप, तो A2 का साइज है उसका रेक्टेंगल बना लो आप, क्या दिक्कत है, रेक्टेंगल बनाना तो आता ही है ना। तो बेसिकली रेक्टेंगल बनाया हुआ है कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल तो बनाना आता है, रेक्टेंगल बनाने के तरीके देखते हैं बेटा, रेक्टेंगल ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट, रेक्टेंगल बन गया नॉर्मल रेक्टेंगल हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल रेक्टेंगल बन गया बेटा हमारा, ठीक है। अब बेटा रेक्टेंगल में ना दो चीजें होती है, एक होता है शैम्फर, एक होता है फिलेट, ठीक है। शैम्फर क्या होता है बेटा, शैम्फर मैं आपको बता दूं क्या होता है, देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बेटा इसके कॉर्नर जो है वो हल्के से कटे हुए हैं, दिख रहा है बेटा आपको। तो बेटा एक कॉर्नर में बेसिकली बन क्या रहा है, ट्राइंगल बन रहा है बेटा, जो भी शैम्फर बन रहा है बेसिकली एक ट्राइंगल बन रहा है लास्ट में, एंड में उसके, तो उस ट्राइंगल का हमें हाइट बतानी रहती है और विड्थ बतानी रहती है, उसका हाइट और विड्थ अगर बता दिया आपने तो पूरे रेक्टेंगल आपका एक शैम्फर रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बोल रहा है बेटा, देखो अ रेक्टेंगल विद डिस्टेंस वन, डिस्टेंस वन मतलब डिस्टेंस वन कौन सा है, डिस्टेंस वन ये है बेटा हाइट उसकी, ठीक है, एंड डिस्टेंस टू उसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, इसने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका डिस्टेंस वन क्या है, मतलब उसके शैम्फर का डिस्टेंस वन क्या है 12.7 mm, और डिस्टेंस टू क्या है 6.35 mm, ठीक है। तो इसका इसका मेथड क्या है बेटा, सेलेक्ट रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट कैसे करते हैं, RECT लिख दो, रेक्टेंगल कमांड खुल जाएगा, एंटर 12.7 हम mm में काम कर रहे हैं बेटा, फिर एंटर 6.35, फिर प्लेस द फर्स्ट कॉर्नर, प्लेस सेकंड, प्लेस द डायगोनल कॉर्नर, कैसे करेंगे बेटा देखो, देखो बेटा REC रेक्टेंगल आ गया बेटा, फिर सी एंटर शैम्फर कर रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट डिस्टेंस 12.7 mm, सेकेंड डिस्टेंस उसको 12.7 रख देते हैं, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर, तो लेंथ समझ लो हमको रखनी है इसकी 80 mm, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया बेटा आपका जिसका शैम्फर हो रखा है,
समझ में आया? शैम्फर वाला रेक्टेंगल रिपीट करना है क्या? शैम्फर वाला रेक्टेंगल समझ में आया? फिर से बताना है, आ गया? देखो फिर से रिपीट करता हूं, REC रेक्टेंगल, फिर सी, सी एंटर, फर्स्ट डिस्टेंस समझ लो अब रख रहे हैं 15 mm, सेकेंड डिस्टेंस मतलब बेस उसका 15 mm, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर पॉइंट, सीसीआर का लेंथ रख रहे हैं 65 का, हो गया? शैम्फर आया बेटा? अब देखो जैसे आपका ये ड्राइंग है, ठीक है? अब बेटा इस ड्राइंग का प्रिंट करना है आपको, ठीक है? प्रिंट निकालना है इसका, कंट्रोल पी दबाया। अब देखो बेटा अगर मैं नॉर्मल करता हूं, बिल्कुल ओके दबा दो अगर यहां पे मैं, ठीक है, क्या सेलेक्ट क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये करूंगा बेटा, ठीक है, और फिर ओके दबा दो, ठीक है? क्लास 2 है आज, क्लास 2-1 डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्या बोल रहा है? प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट, ये मेरा 2-1 मैंने किया है, 2-1 को दबाऊंगा। क्या है ड्रॉइंग मेरी? बहुत छोटी ड्राइंग आई है मेरी, है ना? अब इसको प्रिंट करूंगा तो बेटा प्रिंट तो सही आएगा नहीं, है ना? तो बेटा इसका प्रिंट ऐसे कैसे करूं कि बिल्कुल इतना ही पूरा का पूरा ड्राइंग पूरे के पूरे पेज में आ जाए, कैसे करूं? कंट्रोल पी दबाना है बेटा, फिर करना है। ये तो क्या लिखा है, वॉट टू प्लॉट, क्या लिखा है बेटा? वॉट टू प्लॉट कैसे करेंगे इसमें, विंडो, ठीक है, विंडो। अब बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, हमारा जो रेक्टेंगल है ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल हमें चाहिए ना पेज पे, तो फर्स्ट कॉर्नर ये होगा हमारा, सेकेंड कॉर्नर ये होगा हमारा, ठीक है? ऐसा समझ में आ गया? अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ इस, ये देखो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का विंडो, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ इस पेज पे नीचे मैं कर दूंगा प्लॉट, इसको हमें नीचे भी नहीं चाहिए बेटा, सेंटर में चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, सेंटर द प्लॉट लिख रहा है बेटा, टिक, बीच में आएगा अभी हमारा, ठीक है? समझ गए? प्रिंट टू PDF, ठीक है बेटा? अब दबाएंगे ओके। अब क्लास 2/2 करते हैं इसको, ठीक है? अब देखते हैं कैसा हुआ है, ये 2/2 हुआ है हमारा, अब सही आया बेटा, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखते हैं बेटा Ctrl/P में और कौन से हमारे पास बेटा, बेटा चार चार। अब देखो बेटा PDF के और भी ऑप्शंस है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF या फिर ऑटोकैड PDF भी कर सकते हैं हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए, ठीक है? क्लिक करें इसको, देखते क्या होता है इसमें, ठीक है? विंडो, हुआ इसमें भी नहीं क्योंकि हमने क्या नहीं किया, हमने सेंटर द प्लॉट भी नहीं किया और विंडो भी नहीं किया, ठीक है? बन गया बेटा सही, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया जो भी ड्राइंग करोगे उसका प्रिंट आउट कैसे लेना, समझ में आ गया बेटा, ठीक है? आपको दिख रहा है बेटा इसमें ये बीच में आया है प्रिंट, है ना? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस बार ऑटोकैड में नीचे एक और रेक्टेंगल बना लो, आप इसी साइज का एक और रेक्टेंगल बना लो नीचे, उसमें भी ड्रॉइंग करो, तो आपका दो ड्रॉइंग एक ही पेज में आ सकता है। अगर आपको थोड़ा मत बेसिकली थोड़ा पैसे वैसे बचाने हैं तो कर सकते हो ऐसा, ठीक है? वरना ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो बेटा रेक्टेंगल हम बनाए क्यों है, रेक्टेंगल का कुछ विड्थ है कुछ हाइट है, जब ड्राइंग बना रहे हो आप तो आपको खुद देखना पड़ेगा, फिर रेक्टेंगल से बाहर तो ही निकल रहे हो आप,
यार रेक्टेंगल बना हुआ है मेरा, तो मुझे पता है रेक्टेंगल से बाहर कब निकल रहा हूँ कब नहीं निकल रहा हूँ। हाँ तो वैसी तो आई है। अरे आपकी सुनो 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 मेरी बात सुनो, आपका सारा जो एलिमेंट्स है वो किसी एक परफेक्ट साइज में आना चाहिए ना। अगर आपके एलिमेंट्स बहुत दूर दूर है, अभी मेरे क्या है, एक पेंटागन बना हुआ है, एक हेक्सागन बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, पास पास है। अगर आपने सबको दूर दूर बना दिया इसको, और आप चाहते हो सबका सब A4 में आ जाए, अगर आप चाहोगे ये, तो क्या होगा बेटा, उसके बीच का स्पेस जो है उसकी वजह से क्या होगा, ये शेप वो छोटे छोटे आएंगे उस, समझो, शेप का परफेक्ट साइज भी तो आना चाहिए ना उसमें, तो वो नहीं आएगा ना आपके में फिर, क्योंकि आपको यहाँ पर हम जानते हैं ना कितना स्पेस हम रखेंगे बीच में ताकि वो बड़े बड़े साइज में आए ड्रॉइंग, ठीक है। तो बेटा शैम्फर समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा हम करेंगे फिलेट। फिलेट क्या होता है बेटा, ये दिख रहा है आपको सेकेंड पॉइंट, फिलेट। फिलेट मतलब क्या है, राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। फिलेट मतलब राउंडेड कॉर्नर, इसमें क्या है बेटा, ये राउंड बन जाता है ये। तो बेटा किसी भी राउंड के लिए या आर्क के लिए, कोई भी, ये बेसिकली आर्क है, तो कोई भी आर्क बेसिकली एक सर्कल ही है ना, एक सर्कल का पार्ट है वो। तो बेटा आर्क के लिए क्या बताना है आपको, रेडियस। किसी भी आर्क के लिए क्या बताना पड़ेगा, वो रेडियस बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका भी स्टेप सेम ही है बेटा, देखो REC, फिर F, F एंटर, क्या बोल रहा है बेटा, फिलेट रेडियस, समझ लो 15 का दे दिया हम रेडियस, ठीक है, दे दिया। अब क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कॉर्नर और 80 का बनाते हैं रेक्टेंगल, इसको भी फ्री बन गया, समझ में आया। फिलेट, फिलेट में क्या हो रहा है बेटा, रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड है, वहां पे आर्क है आपके, ठीक है। तो उस आर्क का हमें क्या बताना होता है, रेडियस। शैम्फर में क्या था बेटा, एंड्स में क्या थे हमारे, ट्राइंगल्स थे। तो ट्राइंगल का पहले हाइट बताया, फिर ट्राइंगल का बेस बताया, और फिर उसी शैम्फर वाले ट्राइंगल से बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें एक दिक्कत आपको आ सकती है, अब समझ लो आपने बना दिया फिलेट वाला, ठीक है। अब दबाओगे REC, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बताओगे, फिर फर्स्ट कॉर्नर, फिर सेकेंड कॉर्नर, फिर से बन गया फिलेट। आपको चाहिए तो नहीं फिलेट हो, नहीं चाहिए ना, तो फिलेट को या शैम्फर को बंद करने का तरीका क्या है, देखो, रेक्टेंगल, फिर F, एंटर, फिलेट 0, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिलेट चाहिए ही नहीं अब, तो नॉर्मल बन गया। फिलेट को बंद करने का तरीका समझ में आ गया। अगर आप शैम्फर करोगे उसके बाद फिलेट दबाओगे, तो शैम्फर अपने आप बंद हो गया, ठीक है। फिलेट दबाओगे फिर फिलेट के बाद शैम्फर में जाओगे तो फिलेट अपने आप बंद हो जाएगा, पर अगर आपको फिलेट से नॉर्मल रेक्टेंगल में आना है तो पहले F एंटर या C एंटर करके 0 करना पड़ेगा आपको, उसके बाद बनेगा आपका, ठीक है। सर्कल आ गया, रेक्टेंगल में शैम्फर आ गया, रेक्टेंगल में फिलेट आ गया, आ गया। और बेटा ऊपर ये आपके रिबन वाला बार, ये स्टेटस बार, ये समझ में आ गया आपको, स्नैप मोड, ये सब समझ में आ गया था ना आप लोगों को, ठीक है, पिछले क्लास में, ठीक है। बेटा इसको सेव एज करते हैं, ठीक है, ऑटो डेस्क क्लास वर्क में, क्लास 2-1, ठीक है। अब मैं नया ड्राइंग खोलूंगा बेटा, ठीक है, न्यू में चार्टर ड्राइंग, ठीक है। टेम्पलेट कौन सा बेटा, डेस्कटॉप पे जाना है, मतलब डेस्कटॉप मेरा है वो, ठीक है, आपने कहां पर सेव किया आप खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्पलेट्स, मैट्रिक टेम्पलेट, ठीक है बेटा, ओपन आ गया बेटा, ठीक है, इसको बंद कर सकते हैं आप क्योंकि इसका काम हो चुका है। बेटा ये तो हमारा जो रेक्टेंगल बना है, इसका जो विड्थ है बेटा, ये विड्थ, इसकी जो लाइन की विड्थ है, ये दिख रही है आपको बेटा, लाइन की विड्थ, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में लाइन की विड्थ हमारी 0 mm, बिल्कुल कम, 0.1 या 0.2 mm की होती है, ठीक है। अब समझ लो रेक्टेंगल बनाना है आपको थिक वाला, आपको बाहर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है बेटा, बाहर वाला रेक्टेंगल की थिकनेस दिख रही है बेटा, बहुत ज्यादा है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा थिकनेस वाली लाइन से
रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल या कुछ बनाना है तो कैसे बनाते हैं बेटा? उसका तरीका देखो, तरीके बहुत सारे हैं। सबसे सिंपल तरीका पहले बताता हूं मैं, फिर जो और भी एडवांस वाले हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है? ये देखो, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है लाइन वेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको? लाइन वेट, ठीक है? लाइन वेट पे क्लिक करोगे बेटा, 0.3 mm, ठीक है? सेलेक्ट किया, 0.3 हो गया। अब जाएंगे रेक्टेंगल में, ठीक है? स्पेसिफाई फर्स्ट, आपको दिख रहा है बेटा इसका जो विड्थ है, इसके जो लाइन की विड्थ है वो इस वाले रेक्टेंगल के विड्थ से ज्यादा है, दिख रही है बेटा? समझ में आया? अगर हमें थिकेंड लाइन से, ज्यादा मोटे लाइन से अगर ड्राइंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर आपकी ड्राइंग ऑलरेडी बन गई है और अब आपको उसके ड्राइंग की थिकनेस को बढ़ानी है, अगर आप ईडी में कर रहे होते हैं, ये जो फर्स्ट सेम में सीखा, तो क्या करते हैं आप? पहले मिटाते हो उसको, फिर बनाते मोटे से। ऑटो कैड में यही आपका फायदा है कि आप इसको एडिटिंग कर सकते हो, आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा रेक्टेंगल को। क्या करना है बेटा? राइट क्लिक, क्या लिखा है बेटा? प्रॉपर्टीज, ये देखो लाइन टाइप दिख रहा है, लाइन में दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? इस पे गए, हो गया। अब इसके लाइन की थिकनेस भी उतनी है जितनी लेफ्ट वाले की है। आया सामने बेटा? कोई डाउट? ठीक है, तो बेटा यही बोल रहा है ये, ठीक है? अब देखो, इस विड्थ को बढ़ाने की एक और तरीका है जो ये बुक बता रहा है। क्या बता रहा है? सेलेक्ट रेक्टेंगल कमांड, टाइप डब्ल्यू एंटर, एंटर द विड्थ ऑफ द लाइन विच यू वॉन्ट, प्लेस द फर्स्ट क्वार्टर, प्लेस सेकंड क्वार्टर। क्या बोल रहा है बेटा ये तरीका? ये बोल रहा है देखो, रेक्टेंगल एंटर, डब्ल्यू एंटर, 0.3 का बनाया था हमने, अब फर्स्ट कॉर्नर बन गया थिकनेस का। तो ये रेक्टेंगल के लाइन के विड्थ का वैल्यू बढ़ाने का सेकेंड टेक्निक है, ठीक है? आया समझ में? कोई डाउट? देखो, एक तो ये तरीका समझ में आ गया आपको, ये वाला। अगर ये तरीका नहीं करना है और कोई और तरीके से करना है, तो बुक वाला तरीका क्या है बेटा? रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट किया, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू शैम्फर के लिए क्या था? सी। फिलेट के लिए क्या था? एफ। और लाइन को बढ़ाने के लिए क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू एंटर। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई लाइन विड्थ, यही बोल रहा है बेटा, 0.5 कर दिया चलो, ठीक है? 0.5 क्या? एमएम, हम किसमें काम कर रहे हैं बेटा? एमएम के स्केल में, 0.5 कर दिया। अब दबाओ एंटर, दबा दिया एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, समझ लो इसका विड्थ है आपका 80 का। फिर से बन गया बेटा, ध्यान से देखो, इसके लाइन की विड्थ और इसके लाइन की विड्थ में डिफरेंस है, 0.3 mm का है और ये 0.5 mm का है। किसी का भी अगर देखना है कि भाई इसके लाइन का वेट कितना है, इसके लाइन की विड्थ कितनी है, तो क्या करोगे बेटा? सेलेक्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये आ गया बेटा, लाइन विड्थ कितना आया? 0.3, ठीक है? आया सामने बेटा? अब बेटा क्या है, रेक्टेंगल बनाने का कुछ और तरीके, ठीक है? अगर समझ लो आपको, आपका एरिया, आपका समझ लो, आपका लेंथ है 80 mm और विड्थ है 30 mm, एरिया कितना हुआ? एरिया कितना हुआ? अगर लेंथ है 80 mm एंड विड्थ है 30 mm, एरिया कितना हुआ? 2400 mm स्क्वायर, यही हुआ बेटा। अब समझ लो आपको 2400 mm स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना है जिसका लेंथ है 80 mm एंड विड्थ है 30 mm। तो अगर आप किसी को बता दो कि हमारा रेक्टेंगल का एरिया है 2400 mm स्क्वायर और लेंथ है 80 mm, ठीक है, तो क्या वो अपने आप विड्थ निकाल लेगा उसका? निकाल लेगा। तो यही चीज ऑटोकैड में करनी है हमको, ठीक है? क्या बोल रहा है बेटा? सेलेक्ट रेक्टेंगल कमांड, प्लेस द फर्स्ट कॉर्नर, टाइप ए एंटर फॉर एरिया, एंटर 6 मतलब उसका एरिया एंटर करो, फिर सेलेक्ट एल, एल एंटर फॉर लेंथ ऑप्शन एंड एंटर 2। क्या बोल रहा है बेटा? देखो, इस पे देखते हैं।
ठीक है, आरईसी एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, उसके बाद ए एंटर, एरिया, एरिया कितना था हमारा 2400 mm स्क्वायर, एंटर, फिर लेंथ, लेंथ कितना होगा 80, बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मोटा बन गया है तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाओ, इसकी लाइन वेट कम कर दो, 0.2 mm कर दो, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 80, दिख रही है ना 80, और विड्थ कितनी है, लेंथ और विड्थ कैसे बता रहा हूं मैं, डायमेंशन वाले कमांड से बताया था मैं प्रीवियस क्लास में, सेलेक्ट योर डायमेंशन, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन और ओरिजिन, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आ गया 80 हमारा, अब काफी मोटा आ रहा है ये, सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज, लाइन वेट छोटा कर दो, 0.9 mm कर दो, 0.09 का, ठीक है, हो गया ठीक, अगर आप चाहते हो पहले ही इतना रहे तो क्या करो, यहां पे लाइन वेट को पहले उतना कर दो 0.09, अब करो डायमेंशन सेलेक्ट, सेकेंड, आ गया बेटा रेक्टेंगल बन गया हमारा 80 mm लेंथ और 30 mm विड्थ, तो फिर से बनाते रेक्टेंगल को, आरईसी एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फिर ए एंटर, एरिया कितना 2400, फिर कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ, चलो विड्थ करते हैं अब, ठीक है विड्थ करते हैं, तो विड्थ कितना होगा 30, बन गया रेक्टेंगल बेटा, ये हमने किससे बनाया, एरिया और विड्थ से, ये किससे बनाया था, एरिया और लेंथ से, ठीक, चेक कर लेते डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 80 आ गया बेटा, फिर डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आ गया 30, आ गया रेक्टेंगल सन में आ गया, ठीक है, ठीक, तो बेटा एरिया और इससे आ गया, अब देखो हमें अगर रेक्टेंगल बनाना है जिसका कोई रोटेशन हो, मतलब वो सीधा ना हो, थोड़ा आठ तिरछा हो, याद है ईडी बनाते थे हम लोग, ईडी में अगर हमारा कोई प्रिज्म है और वो बीपी के साथ वर्टिकल प्लेन कोई एंगल बना रहा है, तो टॉप व्यू में रेक्टेंगल कैसा बनता था, थोड़ा इंक्लाइन बनता था बेटा, एक्स वाई लाइन से इंक्लाइन बनता था, तो वही इंक्लाइन अगर रेक्टेंगल बनाने आपको कैसे बनाओगे आप, ठीक है कैसे बनाते हैं बेटा, सेट रेक्टेंगल कमांड, प्लेस द फर्स्ट कॉर्नर, टाइप आर एंटर फॉर रोटेशन, एंटर 45 डिग्री एंड प्ले डायगोनल कॉर्नर, कैसे देखो क्या बोल रहा है बेटा, पहले रेक्टेंगल कमांड, पहले लेयर को चेंज करते हैं बेटा, लेयर 0.3 mm करते हैं, ठीक है रेक्टेंगल कमांड, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, फिर क्या बोल रहा है, आर एंटर, आर एंटर क्या एंगल बोला 45 डिग्री, ठीक है अब सेकेंड 80 mm का रखते हैं इसका, ठीक है लेंथ, रेक्टेंगल बन गया बेटा 45 डिग्री के साथ बन गया, ठीक है तो रोटेशन, रोटेशन से बनाना आ गया आप लोगों को, रोटेशन कैसे करते हैं, आरईसी एंटर, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर आर, फिर 60 का बनाते हैं, 60 डिग्री, ठीक है फिर सेकेंड पॉइंट समझ लो 80 का बना दिया हमने इसका, ठीक है और ये बना दिया 30 का, ये क्या किया मैंने, इस बार मैंने लेंथ भी बताई विड्थ भी बताई, कैसे देखो कोई रेक्टेंगल बनाते हो आप क्या बोलता है, वैसे फर्स्ट कॉर्नर फिर बोलता है सेकेंड कॉर्नर, है ना, तो देखो बेटा ये अभी जो ब्लू से हाईलाइटेड है क्या बोल रहा है, मुझसे लेंथ मांग रहा है, लेंथ लिख दूंगा 50, ठीक है अब मुझे बतानी विड्थ भी बतानी है इसकी, तो क्या क्या टाइप क्या दबाऊंगा बटन में, टैब, टैब दबाने से ही चले जाएगा विड्थ में, आ गया विड्थ में बेटा, आ गया अब लूंगा 25, 25 की विड्थ हो गई, 50 की लेंथ हो गई, फिर एंटर, रेक्टेंगल बन गया बेटा, अब देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, रेक्टेंगल अब मेरा हमेशा तिरछा ही बनेगा 60 डिग्री पे, है ना, उसको बंद कैसे करूं, आरईसी एंटर,
ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर, फिर रोटेशन जीरो, ठीक है, और फिर लेंथ, तो मतलब बना रहा उसका मैं 30, लेंथ है, टैप दबाया, विड्थ करा मैंने 20 का, बन गया रेक्टेंगल बेटा। तो रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ कैसे बताते हैं, रेक्टेंगल में रोटेशन कैसे करते हैं, रेक्टेंगल में एरिया और उसके लेंथ से कैसे बनाते हैं, एरिया उसकी विड्थ से कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया बेटा? आ गया? ठीक है, अब देखो मेरे, जैसे मैंने ये क्लास 2-1 था हमारा, इसमें पूरा खत्म हो चुका है इसमें ड्राइंग स्पेस, ठीक है, ड्राइंग 2 में भी खत्म हो चुका है ड्राइंग स्पेस अपना, है ना। अब देखो नया ड्राइंग स्पेस बनाने के लिए क्या एक्सटेंड क्यों करना है, हमें A4 पेपर बनाना है ना, अगर एक्सटेंड कर देंगे तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो बेटा ड्रॉइंग 2 हो गया, क्लास 2-1 हो गया, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, गूगल क्रोम में क्या करते हो, न्यू टैब खोलने के लिए ये दबा देते हो, है ना, ये प्लस वाला साइन क्या लिखा है बेटा, न्यू ड्रॉइंग, अगर मैं यहां प्लस वाला दबाऊंगा तो अपने आप जिस टेम्पलेट पे मैं काम कर रहा था उसी टेम्पलेट का एक नया ड्रॉइंग बना के दे देगा मुझे, ठीक। और अगर मैं ऊपर दबाऊंगा और दबाऊंगा न्यू, तो यहां मुझे बताना पड़ेगा किस टेम्पलेट को मुझे यूज करना है, समझ में आया। अगर मैं उसी टेम्पलेट में एक और एम्प्टी स्पेस चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली प्लस दबा सकता हूं, आगे मेरे पास ऐसे समझ में, ठीक है। देखते हैं बेटा आगे क्या बता रहा है, ग्रिड एंड इंक्रीमेंटल स्नैप। बेटा इंक्रीमेंटल स्नैप क्या होता है, बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका जो रेक्टेंगल है या सर्कल है उसका जो डायमेंशन हो, बेसिकली लेंथ, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, वो किसी नंबर के मल्टीपल में हो, मतलब 6 के मल्टीपल में हो, 12 के मल्टीपल में हो, तो उसको बोलते हैं बेटा इंक्रीमेंटल स्नैप, ठीक है। मतलब तो बताता हूँ, देखो रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं नॉर्मल सा, ठीक है, देखो आपको लेंथ बढ़ती हुई दिख रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है ना, 47, 48, 52, 53, 56 ऐसे बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है बेटा, नॉर्मल रेक्टेंगल बन गया बेटा। अब अगर मुझे चाहिए इसका लेंथ और इसके विड्थ सारे डायमेंशन 6 के, 3 के, 4 के, 5 के मल्टीपल्स में हो, है ना, तो उसके लिए बेटा में करना होता है इंक्रीमेंटल स्नैप, ठीक है। ये देखो बेटा क्या लिखा है, हमें कहां जाना है बेटा, ड्राफ्टिंग सेटिंग में, उसके लिए क्या करना है बेटा, डीएस एंटर या फिर स्टेटस बार में राइट क्लिक ऑन द स्नैप और ग्रिड बटन, क्या बोल रहा है बेटा, स्नैप बटन कहां है हमारा, कहां है स्नैप बटन, ये हमारा स्नैप बटन बेटा, देखो बेटा ये था हमारा स्नैप बटन, स्नैप कर्सर या फिर ये दिख रहा है बेटा स्नैप बटन, स्नैप कर्सर, ऑब्जेक्ट स्नैप दिख रहा है, स्नैप का मैंने बताया था ना बेटा, स्नैप क्या करता है, आपके कोई भी रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल हो उसका सेंटर या एंड पॉइंट या उसके एजेस का सेंटर वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है जब आप ड्रॉइंग बना रहे हो तो, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करो, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, या तो इससे जाओ या फिर डीएस एंटर, आ गए बेटा, ये दिख रहा है बेटा स्नैप, स्नैप एक्स स्पेसिंग, स्नैप वाई स्पेसिंग, स्नैप अभी ऑन नहीं है, स्नैप अभी ऑफ है, ये बेटा स्नैप है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं है, ऑब्जेक्ट स्नैप अलग चीज थी, ऑब्जेक्ट स्नैप आपके हर एक शेप का आपको सेंटर एंड पॉइंट ये सब बताता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्नैप है, स्नैप क्या चीज है बताता हूं, स्नैप को ऑन किया बेटा, स्नैप की एक्स स्पेसिंग है 6 mm, स्नैप की वाई स्पेसिंग है 6 mm, ठीक है, समझ में आया, ओके किया। अब देखो बेटा अब बनाऊंगा रेक्टेंगल में, ठीक है, दिख रहा है बेटा लेंथ बढ़ती हुई दिख रही है इसकी, कितने इंक्रीमेंट में, 6-6 के इंक्रीमेंट बढ़ रही है बेटा, 54, 60, 66, 72 दिख रहा है आपको, 78, फिर विड्थ भी इसकी 18, 24, 30 ऐसी बढ़ रही है बेटा, बट ऐसा पहले तो नहीं हो रहा था ना पहले, तो ये होता है बेटा इंक्रीमेंटल स्नैप का मतलब, ठीक है। इंक्रीमेंटल स्नैप कैसे करते हैं बेटा, डीएस एंटर, स्नैप ऑन या ऑफ, ठीक है, ऑफ कर दोगे तो अपने आप आपका रेक्टेंगल वैसे ही बन गया जैसे पहले बन रहा था, रेक्टेंगल क्लिक किया अब वैसे ही बन रहा है बेटा जैसे पहले बन रहा था, दिख रहा है, ठीक है।
और अगर मैंने डीएस एंटर स्नैप को ऑन कर दिया, समझ लो इसको मैंने कर दिया 3 mm अब, ठीक है, रेक्टेंगल कमांड दिख रहा है आपको बेटा, किसका लेंथ 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है बेटा, और इसका हाइट, ठीक है बेटा, आया समझ में? अब बेटा ग्रिड लाइंस क्या थे हमारे, आपको ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं ये, बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसको मैंने बेटा व्हाइट बोर्ड कर दिया है, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में आपको ये लाइंस दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये ग्रिड लाइंस है। अब बेटा ग्रिड लाइंस को भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कैसे, डीएस एंटर, बेटा ग्रिड दिख रहा है आपको, ग्रिड ऑन ग्रिड ऑफ दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं तो बेटा ग्रिड चला गया मेरा, ठीक है, डीएस एंटर, ग्रिड ऑन करूं तो ग्रिड आ गया मेरा। बेटा इस ग्रिड में भी आपको दिख रहा है छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, तो उन स्क्वायर का भी कोई साइज होगा, कोई डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, ग्रिड लाइंस के बीच में कोई डिस्टेंस होगा बेटा, तो उस डिस्टेंस को भी आप चेंज कर सकते हो, डीएस एंटर, ग्रिड एक्स स्पेसिंग दिख रही है बेटा, ग्रिड वाई स्पेसिंग दिख रही है बेटा, आप बता सकते हो, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रिड एक्स स्पेसिंग दिख रही है, ग्रिड वाई स्पेसिंग दिख रही है बेटा, अब मैं ग्रिड एक्स स्पेसिंग कर दूंगा 20 एंड ग्रिड वाई स्पेसिंग भी 20 हो गया, कर दूं ओके, अब दिख रहा है बेटा ग्रिड और पास पास बन गए हैं, अब दिख रहा है कि नहीं, तो बेटा इससे क्या होगा, मेरा ग्रिड का डिस्टेंस कितना है 20 mm है, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं, तो अगर रेक्टेंगल का विड्थ हमारा 40 mm का है, तो कितने बक्से लेगा अपने अंदर, 2 बक्से लेगा बेटा, रेक्टेंगल बनाते हैं बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल कितने बॉक्सेस ले रहा है अपने अंदर, ग्रिड कितने बॉक्सेस ले रहा है, ग्रिड के कितने बॉक्स ले रहा है, 2 बॉक्स ले रहा है बेटा, है ना, क्यों ले रहा है, क्योंकि ग्रिड में कितना है स्पेसिंग, 20 mm की स्पेसिंग है बेटा, ठीक है, देखो बेटा डी एस एंटर दबा दिया, अब देखो बेटा ग्रिड ऑन है अभी हमारा, ग्रिड ऑन ऑफ आपका F7 बटन से भी हो सकता है, F7 से, ठीक है, और वैसे भी हो सकता है यहां से, तो इसमें बेटा ग्रिड एक्स स्पेसिंग मतलब ग्रिड के ग्रिड लाइन है बेटा, बहुत सारे ऐसे लाइन है ग्रिड के, है ना, तो एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग उसकी है 20 mm, ठीक है, एंड वाई में भी 20 mm, ठीक है, तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, समझ लो कम कर दिया, 15 कर दिया मैंने, ठीक है, अब दिख रहा है ग्रिड लाइंस और बढ़ गए, मतलब ग्रिड लाइन की लेंथ कितनी है 15 mm की, तो अगर मैं कोई भी रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि 45 mm लेंथ हो एंड 45 mm विड्थ हो, तो वो कितने बॉक्सेस लेगा अपने अंदर, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 3 2 3 9 बॉक्सेस लेगा बेटा, देखते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, 45 mm की लेंथ एंड विड्थ 45, ये बन गया बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस ले लिए मैंने ग्रिड का, इसने ले लिए कि 9 बॉक्सेस, आगे समझ में, कोई डाउट, तो बेटा ग्रिड और स्नैप समझ में आया बेटा, ज्यादा अच्छा किसमें दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट मोड में कि डार्क मोड में, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है, बट काम पे डार्क मोड में करना, ठीक है, व्हाइट मोड से थोड़ा आई पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है।
ठीक है बेटा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा आपके स्क्रीन में? ठीक है तो बेटा, डी इस वाले पेज में हमें दो चीज सीखनी थी, स्नैप स्नैप एंड ग्रिड, स्नैप ऑन और ग्रिड ऑन। ठीक है, स्नैप समझ में आ गया बेटा, इंक्रीमेंटल स्टेप्स में आपका लेंथ और विड्थ बढ़ती है, उस इंक्रीमेंटल स्टेप्स में स्टेप की साइज क्या है आप निर्धारित करते हो। ठीक है, इसी तरह से ग्रिड में क्या होता है बेटा, ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ग्रिड के बीच में जो लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस भी आप बता सकते हो। ठीक है, बेटा अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहते हैं लेयर्स। ठीक है बेटा, लेयर्स क्या होती है बेटा, ये क्लासरूम दिख रहा है आपको, इस क्लासरूम में बेंच का कलर क्या है? ब्राउन। वॉल का, टाइल्स का? व्हाइट ब्राउन क्रीम समझ लो इसको। ठीक है, और इसका व्हाइट, अब देखो बेटा समझ लो आपको, ये इस और विंडोज का व्हाइट व्हाइटिश है, डोर का ब्राउन समझ लो। ठीक है, अब बेटा समझ लो आपको इस रूम का प्लान बनाना है, प्लान क्या होता है बेटा, टॉप व्यू होता है, अब समझ लो प्लान बनाना है आपको। तो आपको बेटा बेंच का कलर अलग यूज करना पड़ेगा, फ्लोर का अलग है ना, ब्लैक बोर्ड का अलग, इस टाइल का अलग, विंडो का अलग और डोर का अलग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बेटा लेयर्स। एक ही ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, तो वो हम कैसे निर्धारित करते हैं, लेयर्स से। बहुत सारे लेयर्स, अच्छा हम जैसे समझ लो लेयर वन हमने बना दिया, इसके लिए इसका लाइन वेट भी अलग होगा, लाइन समझ लो, लाइन वेट, लाइन वेट क्या है, लाइन की वेट अभी बताई थी मैंने, चेंज करना कैसे चेंज करते हैं उसको, उसकी लाइन वेट भी अलग होगी, उसकी लाइन कलर भी अलग होगी। ठीक है, उसके लाइन कलर अलग होगा और विड्थ भी अलग होगी। डोर बनेगा, उसका लाइन वेट अलग होगा, समझ लो इसके लिए बनाया लेयर वन, उसके लिए बनाया लेयर टू, इसके लिए लेयर थ्री, इसके लिए लेयर फोर, इसके लिए लेयर फाइव, फ्लोरिंग के लिए लेयर सिक्स, आया समझ में। और उसमें हर एक लेयर का कलर अलग होगा, हर एक लेयर जो लाइन है उसकी विड्थ अलग होगी, आया समझ में। तो ये सब चीजें हम करते हैं लेयर, आया समझ में। ठीक है, लेयर इज लाइक ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है मतलब, देखो समझ लो कि आपको, आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना दी, अब आपको सिर्फ बेंचेस हटानी है ना, तो क्या करोगे आप, और सब लेयर कर दोगे फ्रीज या फिर लॉक कर दोगे, और सिर्फ बेंचेस पे काम करोगे। फिर लेयर टू को, लेयर वन बेंचेस का था, लेयर वन को फ्रीज कर दिया, लेयर वन में हो गई सारी एडिटिंग आपकी, फिर लेयर वन को आप कर दोगे फ्रीज, फिर लेयर टू में काम करोगे। तो ये सब चीजें होती है, इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। ठीक है, अब समझ लो बेंचेस कोई अलग काम, अब यही वाली चीज अगर मैं बिल्डिंग में ले जाऊं बेटा, बिल्डिंग में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक वाला काम अलग बंदा करता है, ठीक है, आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला काम अलग बंदा करता है, पाइप वाला काम अलग बंदा करता है, पाइप वाला मतलब जो वाटर पाइप होती है वो अलग बंदा अलग काम करता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्रॉइंग बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, और फिर उसको मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में कंफ्यूजन ना हो, मतलब कोई भी जब देख रहे हैं उसमें पता हो कि हाँ भाई ये वाली चीज ये है, उसका शेप या फिर उसका नाम देख के पता लगाना पड़े। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे बेंचेस जो है ब्राउन कलर के होंगे, तो जो भी ब्राउन कलर का एलिमेंट होगा उसमें बेंच होगा, है ना, और अगर डोर समझ लो ब्लैक कलर का है हमारा, ये तो ब्राउन है ठीक है, ब्लैक समझ लो। ठीक है, तो अगर ब्लैक कलर का डोर है, अगर हमें हमें कुछ ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है उसमें, इसका मतलब वो डोर है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि ये डोर है, ये बेंच है, ये फ्लोर है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो देख रहा है बंदा, जो ड्राइंग देख रहा है आपका, उसको ऑलरेडी पता है कि लेयर वन जो है वो बेंचेस के लिए है, लेयर टू जो है फ्लोरिंग के लिए है, लेयर थ्री जो है वॉल्स के लिए है। ठीक है, तो बेटा लेयर इसके लिए होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कंट्रोलिंग लेयर ऑन ऑफ कैसे करते हैं लेयर्स को। ठीक है, तो बेटा लेयर्स पे काम कैसे करते हैं, ड्रॉइंग फाइव खोल लेता हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो ये है आपका लेयर। ठीक है, देखो बेटा ये दिख रहा है आपको लेयर प्रॉपर्टीज, दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे आपको दिख रहा है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं, दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो लेयर कलर क्या है, लेयर का लाइन टाइप, लाइन टाइप क्या होता है बेटा, आपको याद है ईडी में यूनिट वन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पढ़े थे, थिक लाइन, थिन लाइन, हिडन लाइन, कंटिन्यूअस लाइन पढ़ा था, वैसे ही बेटा इसमें भी होते हैं, दिख रहा है आपको कंटिन्यूअस,
सेंटर हिडन दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है लाइन वेट, लाइन वेट क्या है बेसिकली उसके लाइन के बिटवीन थिकनेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है बेटा देखो, अरे यार अब समझ लो बेटा, आपका कोई ऐसा पार्ट है जो आपको दिख नहीं रहा है ऊपर से पर आपको बनाना चाह रहे हो उसमें, तो आप कैसे कर सकते हो उसकी, उसके लाइन का जो विजिबिलिटी है उसको कम कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट बना सकते हो उसको, ठीक है। उसकी आपकी उसकी जो विजिबिलिटी है मतलब डार्क नहीं लाइट बना सकते हो उसको बेटा। ईडी वहां पे सीखा था, ईडी में बहुत चीजें जो आप बिल्कुल हल्के हल्के पेंसिल से बनाते थे है कि नहीं, तो बेसिकली क्या होता था वो उसका डार्कनेस कम होती थी, तो उस डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो बेटा इस आपके लेयर प्रॉपर्टीज में कौन से कमांड्स होते हैं, कौन से लेयर्स हैं, देखो लेयर्स ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए दिख रहा है आपको, विंडो वॉल रूफ ब्रिक्स दिख रहा है आपको ऑलरेडी बने हुए हैं। ब्रिक कौन सा कलर का है बेटा, रेड, वॉल भी रेड कलर का है, अगर आपको चाहिए वॉल रेड कलर के ना हो बेटा, वॉल और ब्रिक एक ही चीज है ना, ठीक है। विंडो ब्लू कलर के आपके, तो जो भी प्लान बनेगा उसमें विंडो आपका ब्लू कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद डोर आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है, आए समझ में। तो बेटा अगर समझ लो आपने डोर सेलेक्ट किया, देखो किसी चीज पे क्लिक करोगे ना वो चेंज हो सकेगा, कैसे देखो ये डोर है, डोर में ग्रीन में क्लिक किया मैंने, चेंज कर लो, ठीक है। कंटिन्यूस पे क्लिक किया, लाइन टाइप कंटिन्यूस पे क्लिक किया, चेंज कर लो, हिडन सेंटर जैसा बनाना है वैसे बना लो, ठीक है। फिर लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक क्या होता है बेटा, समझ लो आपका ड्राइंग बन गया, उसमें दरवाजे ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, आप उस ड्राइंग में कुछ एडिटिंग करना चाहते हो पर आप चाहते हो आपके एडिटिंग के वजह से दरवाजों में कुछ ना हो, दरवाजों में एडिटिंग नहीं करनी है आपको, आपको बस बेंचेस में एडिटिंग करनी है, तो आप इस लेयर को लॉक कर सकते हो। तो क्या होगा उस ड्राइंग में जो उस लेयर के ऑब्जेक्ट्स है वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है, और वो काम करना वो एडिट नहीं हो सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे उसमें, वो सेफ है जैसे है वैसे ही है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो छोटा सा एक चीज बना के दिखाते हैं इससे, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल हम लेयर यूज करते हैं आपका बाउंड्री, बाउंड्री वॉल मानेंगे, बाउंड्री वॉल किस कलर का होगा, बाउंड्री वॉल रेड कलर का होगा बेटा। तो लेयर प्रॉपर्टीज पहले बनाते हैं वॉल बेटा, ठीक है, क्या करेंगे इसको देखो, राइट क्लिक क्या करेंगे, सेट करंट, मतलब हमारा करंट लेयर इस लाइन में बने, ठीक है, हो गया सेट करंट बेटा। फिर क्रॉस, अब किससे बनाए, पॉइंट लाइन से कि लाइन से, किससे बनाए बेटा वॉल, पॉइंट लाइन से बनाएंगे बेटा वॉल, समझ लो हमारा कितने का है 120 एमएम की लेंथ है, ठीक है, एंड विड्थ उसकी है समझ लो 120 एमएम की, ठीक है, ये बन गई हमारी वॉल बेटा, ठीक है। इसमें नुकसान होगा, रुको इस वॉल में हमें विंडो बनाना है ना, तो रुको पहले, ये क्या किया बेटा मैंने, हमारा क्या बना था, ये पॉलीलाइन बना था, पॉलीलाइन, अब मुझे साई लाइन को अलग अलग करने थे, क्या किया मैंने एक्सप्लोड किया, ठीक है, देखो कंट्रोल जेड दबाता हूं मैं, ठीक है, फिर से ये फिर से सेम बन गया, ठीक है। क्या करूंगा, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, EXPLOD एक्सप्लोड, एंटर, अलग अलग हो गया बेटा, ठीक है। अब समझ लो मुझे यहां पे दरवाजा बनाना है, ठीक है, यहां पे दरवाजा बनाना है, डिलीट करूंगा इसको, एक लाइन बनाऊंगा यहां से यहां तक, दरवाजे के लिए स्पेस रखूंगा, ठीक है, बीच में, ठीक है, दरवाजा बनाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। दरवाजा कैसे बनाऊंगा बेटा, लेयर में गया, डोर का है बेटा ये डोर, क्या किया मैंने बेटा, ठीक है, कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है, और वॉल कितनी दिखती थी, वॉल कितनी दिखती थी 0.8 mm, डोर की थिकनेस कितनी होती है वॉल जितनी की, वॉल से कम, देखो उसको वॉल से कम होती है, तो बेटा इसको सेलेक्ट किया 0.6 mm कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस किया बेटा,
अब लाइन यहां से लेके यहां तक, दरवाजा बन गया बेटा, कोई दिक्कत? अब इस रूम के अंदर मुझे बनाना है बेंचेस। बेंचेस मेरे होंगे ब्राउन कलर के, ठीक है। अब लेयर प्रॉपर्टीज, कि आपको दिख रहा है बेंचेस लिखा हुआ कहीं? बेंचेस दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, तो यहां पे जाएंगे। ये क्या लिखा है बेटा? न्यू लेयर, क्लिक किया बेटा, इसका नाम क्या होगा? बेंच, एंटर दबा दो। अब कलर क्या होगा बेटा इसका? ब्राउन होगा। ब्राउन ब्राउन कौन सा है बेटा इसमें से? ये है, ठीक है ना, ठीक ठीक है। और इसका थिकनेस और कम रखते हैं, 0.4 mm, ठीक है, आया समझ में? अब राइट क्लिक और क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस। अब रेक्टेंगल लेंगे बेटा, बेंच बन गया। अब बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे बेंच होंगे ना हमारे, सबके रेक्टेंगल कमांड यूज नहीं करेंगे, सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आगे। अब बेटा देखो ये बता रहा है मेरे को कि कहां पे डालना है इसको, बताओ। तो यहां आ गया, ठीक है, फिर कंट्रोल वी फिर से, फिर आगे एक और बेंच, फिर कंट्रोल वी, क्योंकि कॉपी तो कर रखा है ना ऑलरेडी, इस पे ले गए, फिर धीरे धीरे लेकर आए, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, ठीक है, फिर कंट्रोल वी। आपको दिख रहा है बेटा मुझे गाइडिंग लाइंस मिल रहे ग्रीन कलर के, तो वही मुझे बता रहे हैं कि बट सही जगह पे हो कि नहीं। आ गया बेटा। तो बेटा हमने अभी तक 3 लेयर यूज कर लिए, वॉल का रेड, डोर का ग्रीन, बेंच का ब्राउन। अब एक और बात है लेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, एक और लेयर बनाते किसका? टीचर्स टेबल, ठीक है नहीं, पर यहां पे होता है जनरली, ठीक है। एंटर दबाएंगे बेटा, कलर चेंज कर देंगे इसका, ठीक है, कलर कर देते हैं इसका गोल्डन। कहाँ है? फिर ब्लू करते हैं, ब्लू सही रहेगा, ठीक है, ओके करते हैं। थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं इसकी, 0.5 mm, ठीक है। अपना वॉल्यूम बेटा वो जो भी जिसका भी स्पीकर चल रहा है ना बंद कर लो, क्योंकि मेरी आवाज तो आ ही रही है ना, वो एको हो रहा है बेकार में। ओके किया, फिर राइट क्लिक, फिर क्या करेंगे? सेट करेंट, क्रॉस, ठीक है, रेक्टेंगल आ गया बेटा। टीचर कहाँ बैठेगा? ठीक है, ये हो गया टेबल, और एक छोटा सर्कल, किससे बनाए? सेंटर रेडियस से कि 2 पॉइंट से बनाते हैं ना? नहीं 2 पॉइंट से नहीं, सेंटर रेडियस, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, टीचर का टेबल और बेंच, बेंच बन गया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? विंडो बोल रहे हैं बेटा, है ना, इसको क्रॉस करते हैं, लाइन से बनाते हैं इसको बेटा। अरे सॉरी, हमें लेयर चेंज करनी पड़ेगी, लेयर कौन सी यूज करनी है? वॉल की, सेट करेंट, लाइन हमको, ठीक है, फिर एक और लाइन यहां से, फिर एक और लाइन बेटा, अभी छोड़ दूंगा मैं, फिर लंच कर लेना आप लोग, लंच 1 घंटे करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। इसमें भी विंडोज यहाँ है ना, तो विंडो बना देते हैं यहाँ पे। इस पर दरवाजा मैंने यहाँ बना दिया, दरवाजा बेसिकली वहां पर है, तो वो कोई नहीं दिक्कत, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज बेटा, विंडो का दिख रहा है बेटा इसमें? विंडो है तो सही है ना, कलर चेंज करते हैं विंडो का, ठीक है, विंडो बनाते हैं ब्लैक, ब्लैक तो सही रहेगा क्या? ग्रीन, ग्रीन बनाते, ग्रीन है क्या हमारा ऑलरेडी? दो ग्रीन है,
पिंक बना दे, पिंक, ठीक है ठीक है। इसका थिकनेस 0.3 mm का रखते हैं। और क्या करेंगे फिर, सेट करंट, क्लोज लाइन दबाया बेटा, सॉरी 1 मिनट, और तो क्लिक करते हैं बेटा किसी पे, उस स्ट्रेट स्ट्रेट बने हमारा, स्ट्रेट क्यों नहीं बन रही है, बिल्कुल होती है बेटा। ठीक है, एक विंडो ये बन गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट विंडो बन गया बेटा। बेटा जो लाइन कमांड यूज कर रहा हूं ये आपको आता है ना, ठीक है, तो ये विंडो बन गया बेटा हमारा। कितने लेयर यूज कर लिए, लेयर 1 फॉर डोर, लेयर 2 फॉर विंडो फॉर वॉल, लेयर 3 फॉर विंडो, लेयर 4 टीचर्स टेबल के लिए, एंड लेयर 5 बेंचेस के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा विंडो के सामने, अब मैंने विंडो कर दिया लॉक, ठीक है। देखो बेटा आपको 3 चीज दिख रही है, ऑन फ्रीज एंड लॉक, दिख रहा है बेटा। तो अगर मैं लॉक करता हूं इसको, ठीक है, विंडो को मैंने कर दिया लॉक, ठीक है, अब क्या मैं विंडो सेलेक्ट कर पा रहा हूं? देखो मैंने सेलेक्ट किया विंडो को, ठीक है, सेलेक्ट किया और दबाया डिलीट, ठीक है, क्या डिलीट हो गया? वो नहीं हुआ। मैं दबाया बेंच को और दबाया डिलीट, डिलीट हो गया वो, हो तो गया डिलीट, क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि बेंच लॉक नहीं था, विंडो लॉक था हमारा, ठीक है। तो लॉक किस लिए करते हैं, कोई भी एडिटिंग ना हो सके उस लेयर में, ठीक है बेटा। इसको मैं पहले सेव एज करता हूं, क्लास 2 क्या सीखा हमने इसमें, लेयर, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, लॉक अनलॉक, लॉक लेयर आर विजिबल बट कैन नॉट बी एडिटेड, क्या लिखा है बेटा? वो आगे सीखेंगे ना, वो सी बोल रहे हो तुम, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हमने चाहे सीखेंगे बट ना वो लंबा हो जाएगा क्लास बहुत, ठीक है, पहले लेयर सीख लेते हैं उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। लॉक लेयर क्या होता है बेटा, लॉक लेयर आर विजिबल बट कैन नॉट बी एडिटेड, ठीक है। अब बेटा ऑन ऑफ क्या होता है, इफ अ लेयर इज ऑन इट इज विजिबल, इफ इट इज ऑफ इट इज नॉट विजिबल। क्लास 2 लेयर में गए बेटा, लेयर प्रॉपर्टीज, समझ लो बेंच है हमारा, ठीक है, ऑन है बेटा अभी, अगर इसको मैंने ऑफ किया, क्या बेंच दिख रहे हैं हमको, प्रॉपर्टीज गया, ऑन किया, बेंच दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं हमको, ठीक है। फ्रीज और थॉ, फ्रीज एंड थॉ आर वेरी सिमिलर टू ऑन एंड ऑफ, अ फ्रोजन लेयर इज नॉट विजिबल एंड अ थॉट लेयर इज विजिबल, ओनली थॉट लेयर्स कैन बी एडिटेड और प्लॉटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑन अ फ्रोजन लेयर कैन नॉट बी एक्सीडेंटली इरेज्ड, ठीक है, अगर वो कोई भी लेयर फ्रोजन है तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, और वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अ फ्रोजन लेयर इज नॉट विजिबल, ठीक है, देख लेते हैं बेटा, लेयर प्रॉपर्टीज में गए, डोर में गए और इसको कर दिया फ्रीज, क्या हमें डोर दिख रहा है अब? नहीं दिख रहा डोर हमको, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज में गए, देखो अनफ्रीज कर दिया इसको, अब दिख रहा है हमें डोर, तो बेटा फ्रीज थॉ ऑन ऑफ लॉक और अनलॉक, ठीक है बेटा। और कैसे ये पता लगता है, देखो बेटा लेयर प्रॉपर्टीज को एडिट करने के लिए तो आप यहां से कर सकते हो एडिटिंग, ठीक है, या फिर लेफ्ट में लेयर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो और यहां से करो एडिटिंग। बेटा मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लेयर प्रॉपर्टीज जो ऑप्शन है यहां से एडिटिंग करो आप, तो ज्यादा अच्छा एडिटिंग होगा आपका, ठीक है।
अगर आप यहां से करते हो, यहां से भी कर सकते हो, बट यहां से आपको सब कुछ सब कुछ ऊपर ऑप्शन पता भी लग रहा है, ऑप्शन है क्या, ऑन फ्रीज लॉग प्लॉट कलर लाइन टाइप लाइन वेट। बेटा लाइन वेट समझ में आ गया, लाइन टाइप समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया, लॉग फ्रीज ऑन समझ में आ गया, लेयर्स का न्यू लेयर कैसे बनाया समझ में आ गया, न्यू लेयर का नाम टाइप करते समझ में आ गया। ठीक है, डिलीट नहीं होगी ना वो। देखो हमें अगर डोर पे काम करना ही नहीं, डोर बन चुका है हमारा, हमारा डोर कहाँ पर है, बन चुका है हमारा डोर ना, अब कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो उसके एडिटिंग या बनाने के चक्कर में डोर में कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब डोर डिलीट ना हो जाए या डोर में कोई एडिटिंग ना हो जाए बेकार में, उसके लिए होता है। ठीक है, ठीक है। देखो भाई अगला है कंट्रोलिंग लेयर्स, मतलब लेयर का वो टैबलेट खुल जाता है और लेयर में कौन से ऑप्शन है वो ये बताता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, इसी से सिखाया है मैंने आपको लेयर। ठीक है, लेयर कलर, लेयर लाइन टाइप, लेयर लाइन वेट, सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, इसको सेव कर दो बेटा मैं। ठीक है, इसके आगे शुरू कर, कहाँ शुरू करेंगे हम, पेज नंबर क्या है, 81। बेटा आप लोग फिर ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, लंच के बाद शुरू करेंगे हम अगली क्लास। ठीक है।